बजाज कंपनी की आपको कई सारी पल्सर आपको देखने को मिल जाएंगी, जैसे कि पल्सर 150, पल्सर 125, पल्सर N150 और पल्सर N160, और भी इसमें कई सारी जो पल्सर बाइक्स हैं वो आपको देखने को मिल जाती है। लेकिन जो मेरे सामने बाइक खड़ी है भाई, ये है बजाज पल्सर N160 2024 मॉडल। क्या ये बाइक आपके लिए वैल्यू फॉर मनी रहने वाली है? तो देखेंगे आज इस बाइक के बारे में, इस बाइक के स्पेसिफिकेशंस के बारे में, इस बाइक के फीचर्स के बारे में, माइलेज के बारे में और इस बाइक की ऑन रोड प्राइस के बारे में। तो देखते हैं क्या कुछ मिल जाता है इस बाइक में। भाई अगर हम बात करें भाई इसके फ्यूल टैंक के बारे में, तो काफ़ी बल्की टाइप में जो इसका फ्यूल टैंक की डिज़ाइन है वो आपको देखने को मिल जाएगी। 14 लीटर का आपको इसमें फ्यूल टैंक मिलता है। E20 फ्यूल का जो सपोर्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगा। और अगर हम बात करें इसके USB पोर्ट की, तो इसके फ्यूल टैंक पर ही आपको इसका जो USB पोर्ट है वो आपको देखने को मिल जाता है। वहीं बात करें भाई इसकी ब्रांडिंग के बारे में, तो फ्यूल टैंक के काउल पर आपको पल्सर की जो ब्रांडिंग है वो आपको देखने को मिल जाएगी क्रोम कलर में। और इसके टेल काउल की बात करें तो यहाँ आपको N160 की ब्रांडिंग है वो आपको देखने को मिल जाती है। वहीं अगर हम बात करें भाई इसके लेग गार्ड के बारे में, तो ब्लैक कलर में स्टील में जिसका लेग गार्ड है वो यहाँ रहने वाला है। और इंजन पर आपको बजाज की जो ब्रांडिंग है वो आपको देखने को मिल जाती है। अब बात करते हैं भाई इसके फुटरेस्ट के बारे में, तो इसमें आपको स्प्रिंग वाले जो है वो आपको इसमें फुटरेस्ट मिलते हैं, और जो पिलियन फुटरेस्ट है वो आपको यहाँ लॉक वाले मिल जाते हैं। और भाई बात करें भाई इसके साइड स्टैंड के बारे में और सेंटर स्टैंड के बारे में, तो हाँ भाई आपको यहाँ डुअल स्टैंड का जो सेटअप है वो आपको देखने को मिलेगा। तो ये अच्छी बात है, क्योंकि आजकल काफ़ी सारी कंपनियाँ जो हैं वो सेंट्रल स्टैंड को हटा रही हैं। और बात करें भाई इसके चैन कवर के बारे में, तो भाई आपको यहाँ जो शॉर्ट चैन कवर है वो आपको यहाँ मिलने वाला है, जो कि प्लास्टिक में रहने वाला है। और आपको इसमें एक जो साड़ी गार्ड है वो आपको देखने को मिल जाएगा। और साथ ही बात करें भाई इसके रियर फेंडर के बारे में, डुअल शॉर्ट जो रियर फेंडर है वो आपको देखने को मिल जाएगा। भाई ये अच्छी बात है, क्योंकि इसका बड़ा फ़ायदा मिलता है, वो फ़ायदा इसका ये है कि जो भी कीचड़ है उससे जो आपकी गाड़ी है वो ख़राब नहीं होती है। और साथ ही बात करें भाई इसके ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में, तो भाई आपको यहाँ पर डुअल चैनल जो ABS है वो आपको देखने को मिल जाता है। और भाई बात करें भाई इसके डिस्क पैड के बारे में, तो भाई आपको यहाँ पर 230mm का जो है वो आपको यहाँ डिस्क पैड देखने को मिल जाता है। और भाई बात करते हैं भाई इसकी टायर प्रोफाइल के बारे में, तो आपको भाई यहाँ 130x70x17 की जो है वो टायर प्रोफाइल देखने को मिल जाती है। ट्यूबलेस आपको इसमें टायर मिल जाते हैं। और बात करें भाई इसके व्हील के बारे में, तो आपको यहाँ ब्लैक कलर में 17 इंच की जो अलॉय व्हील है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। वहीं अगर हम बात करें भाई इसकी टेल प्रोफाइल के बारे में, तो भाई अगर आप पीछे देखें भाई, तो आपको यहाँ जो LED में जो इसकी टेल लाइट है वो आपको देखने को मिल जाती है। साथ ही ग्रे बंडल की बात करें, तो काफ़ी शार्प टाइप में जो आपके इसके ग्रे बंडल हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। नीचे भाई आपको मिल जाता है रिफ्लेक्टर, और हैलोजन में मिल जाते हैं इसके इंडिकेटर। हेडलाइट आपको LED में मिलती है, टेल लाइट आपको LED में मिल जाती है, तो इंडिकेटर को भाई क्यों हैलोजन में दे रही है कंपनी? तो कंपनी को इंडिकेटर भी भाई आपको LED में देने चाहिए। और वहीं बात करें भाई इसके रियर सस्पेंशन के बारे में, तो भाई आपको यहाँ पर मोनोशॉक नाइट्रॉक्स इसका रियर सस्पेंशन जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि रेड कलर में रहने वाला है। और इसकी जो रॉड है वो आपको यहाँ ब्लैक कलर में दिखने वाली है। और वहीं अगर हम बात करें भाई इसके एग्जॉस्ट के बारे में, तो भाई आपको जो है वो यहाँ अंडरबेली जो इसका एग्जॉस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि काफ़ी छोटा एग्जॉस्ट इसमें दिखाई देता है। अगर आप दूर से अगर आप इस बाइक को देखोगे ना, तो आपको ये लगेगा भाई ये ना ये EV की बाइक है, इसमें एग्जॉस्ट है ही नहीं। लेकिन भाई ऐसा नहीं है, इसमें आपको एग्जॉस्ट मिलता है जो कि अंडरबेली रहने वाला है। और वहीं अगर हम बात करें भाई इसके रियर ब्रेक के बारे में, तो भाई ये आपको इसकी जो रियर ब्रेक है वो आपको देखने को मिल जाती है। ये आपको मिल जाता है इसके फुटरेस्ट। और इस साइड अगर आप देखें, तो ये आपको कुछ डिज़ाइन आपको देखने को मिल जाएगी। अब बात करते हैं भाई इसके इंजन स्पेसिफिकेशंस के बारे में, तो भाई आपको यहाँ पर 164.82 cc का ऑयल कूल्ड 4-स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर BS6 फेज 2 इंजन आपको इसमें देखने को मिल जाता है। और वहीं बात करें भाई इसकी मैक्स पावर के बारे में, तो भाई आपको यहाँ पर 15.68 bhp की मैक्स पावर मिलती है 8750 rpm पर। और इसके मैक्सिमम टॉर्क की बात करें, तो भाई आपको यहाँ पर 14.65 Nm का मैक्सिमम टॉर्क मिलता है 6750 rpm पर। और भाई बात करें भाई इसके माइलेज के बारे में, तो भाई आपको यहाँ लगभग 45 से 50 किलोमीटर पर लीटर का इसका जो माइलेज है वो आपको देखने को मिल जाता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि इस बाइक में आपको डुअल चैनल जो ABS है वो आपको देखने को मिल जाएगा, और आपको यहाँ डिस्क ब्रेक भी रियर में देखने को मिल जाती है। तो ये आपको इसका जो ब्रेकिंग ऑयल है वो आपको देखने को मिल जाता है। और भाई बात करें भाई इसके इंजन के नीचे, तो भाई आपको यहाँ मिलता है भाई इसका इंजन गार्ड, जो कि फाइबर और प्लास्टिक में रहने वाला है। भाई ऐसा नहीं है कि भाई आपको यहाँ कोई चीपेस्ट प्लास्टिक या फाइबर का यूज़ किया हो, भाई काफ़ी इसमें हैवी जो है वो इसका इंजन गार्ड आपको देखने को मिल जाता है। अब बात करें भाई इसकी फ्रंट प्रोफाइल के बारे में, तो अगर आप देखें तो भाई आपको यहाँ प्रोजेक्टर जो इसकी हेडलाइट है वो आपको देखने को मिल जाती है। LED मिल जाते हैं भाई इसके DRL, और हैलोजन में मिल जाते हैं भाई इसके इंडिकेटर। अगर ये इंडिकेटर LED में होते तो और अच्छा था। वहीं अगर आप इसके फेस पर देखें, तो भाई आपको यहाँ रेड और सिल्वर कलर में जो ग्राफिक्स हैं वो आपको देखने को मिल जाते हैं।
और वहीं इसके नीचे बात करें भाई तो आपको यहाँ ना डुअल टोन में जो इसका फ्रंट फेंडर है वो आपको देखने को मिल जाता है ग्लॉसी ब्लैक कलर में और मैट ब्लैक कलर में। वहीं इसके फेंडर पर भाई आपको रेड और सिल्वर कलर में जो ग्राफिक्स हैं वो आपको देखने को मिल जाते हैं। इस बाइक में भाई आपको अप्स एंड डाउन जो शॉकर है वो आपको देखने को नहीं मिलते हैं। इसमें आपको टेलीस्कोपिक जो शॉकर है वो आपको देखने को मिल जाते हैं। और वहीं भाई अगर हम बात करें भाई इसके ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में कि मैं फ्रंट में हमें क्या ब्रेकिंग सिस्टम देखने को मिलता है तो भाई आपको यहाँ 280 mm का एक बड़ा आपको इसमें जो डिस्क पैड है वो आपको देखने को मिल जाएगा। और भाई आपको यहाँ मिलता है डुअल चैनल ABS। और भाई बात करें भाई इसके टायर प्रोफाइल के बारे में तो आपको यहाँ 100/80/17 की जो है वो इसकी टायर प्रोफाइल देखने को मिल जाती है। ट्यूबलेस आपको इसमें टायर मिल जाते हैं। और वहीं बात करें भाई इसके अलॉय व्हील के बारे में तो भाई आपको यहाँ प्योर ब्लैक कलर में इसके अलॉय व्हील जो है वो आपको देखने को मिल जाते हैं। और इसके अलॉय व्हील पर भाई आपको रेड और सिल्वर कलर में जो ग्राफिक्स हैं वो आपको देखने को मिल जाते हैं। और बात करें भाई इसके रिफ्लेक्टर्स के बारे में तो भाई आपको यहाँ दो रिफ्लेक्टर मिल जाते हैं, एक इस साइड और एक उस साइड। साथ ही भाई इसके फ्रंट फेंडर पर भाई आपको ABS डुअल चैनल की जो ब्रांडिंग है वो आपको देखने को मिल जाती है। और वहीं अगर हम बात करें भाई इसके हैंडल बार के बारे में तो भाई आपको यहाँ ब्लैक कलर में मिल जाता है इसका हैंडल बार। और भाई आपको यहाँ मिलता है किल स्विच, लाइट का स्विच और सेल्फ का स्विच। इस तरफ अगर हम बात करें तो यहाँ आपको पासिंग लाइट का स्विच मिलता है, लो हाई बीम का स्विच मिलता है, इंडिकेटर का स्विच मिल जाता है और नीचे भाई मिलता है इसके हॉर्न का स्विच। अब बात करते हैं भाई इस बाइक के मीटर के बारे में कि मैम इसके मीटर में भाई हमें क्या कुछ देखने को मिलेगा। तो अगर आप देखें भाई तो आपको यहाँ सेमी डिजिटल जो मीटर है वो आपको देखने को मिल जाएगा, एनालॉग प्लस डिजिटल। तो चाबी ऑन करते हैं भाई तो ये देखो भाई आपको यहाँ मिलता है स्पीडोमीटर और यहाँ मिल जाता है ओडोमीटर और आपको यहाँ मिलता है फ्यूल गेज। अब भाई बात करते हैं भाई इसके जो इंडिकेटर्स हैं इनके बारे में तो भाई आपको यहाँ मिलता है भाई बैटरी इंडिकेटर, माल फंक्शन लाइट का इंडिकेटर, ABS इंडिकेटर और न्यूटन का इंडिकेटर। और भाई आपको यहाँ दो आपको इसमें ट्रिप मोड जो है वो आपको देखने को मिल जाते हैं। अब बात करें भाई इसकी चाबी के बारे में तो कुछ इस तरह की भाई आपको इसकी जो चाबी है वो आपको देखने को मिल जाती है जो कि फिजिकल की है। और भाई बात करें भाई इसके साइड व्यू मिरर के बारे में तो भाई इस डिज़ाइन में भाई आपको इसके जो साइड व्यू मिरर हैं वो आपको देखने को मिल जाते हैं। अब बात करते हैं भाई इसके सीट के बारे में तो भाई आपको इसमें भाई स्प्लिट सीट का जो सेटअप है वो आपको देखने को मिल जाएगा। और इसके सीट पर भाई आपको जो पल्सर की ब्रांडिंग है वो आपको देखने को मिल जाती है। और बात करें भाई इसकी सीट हाइट के बारे में तो भाई आपको यहाँ 795 mm की मिल जाती है इसकी सीट हाइट। और वहीं बात करें भाई इसके ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में तो भाई आपको यहाँ 165 mm का मिल जाता है आपको इसका ग्राउंड क्लियरेंस। तो भाई अब बात करते हैं भाई इस बाइक की वारंटी के बारे में तो भाई आपको यहाँ 5 साल या फिर 75,000 kilometers की जो वारंटी है वो आपको देखने को मिल जाती है। और बात करें भाई इसकी प्राइस के बारे में तो भाई आपको यहाँ 1,57,000 लगभग आपको इसकी जो प्राइस है वो आपको देखने को मिल जाएगी। और ये जो प्राइस है भाई ये इसकी ऑन रोड प्राइस है जो कि आगरा शहर में है। तो भाई फीचर्स के हिसाब से भाई मुझे तो भाई ये बाइक जो है वो वैल्यू फॉर मनी लगी। और आपको ये बाइक कैसी लगी, क्या ये बाइक वैल्यू फॉर मनी है, या मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो बस गाइस वीडियो में आज के लिए इतना ही, और आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, धन्यवाद।